वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन, जिसको CI इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो डीजल इंजन को हमेशा बोला जाता है CI इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो देखते हैं दोस्तों कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले हम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देखिएगा। इसमें और पिछले वाले इंजन जो हमने पढ़ा था, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ा था, टू स्ट्रोक डीजल इंजन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो दोनों में फिगर में क्या अंतर है। ठीक है, तो फिगर में अंतर अगर देख पाएंगे आप, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टू स्ट्रोक इंजन, वैसे पेट्रोल हम पढ़ चुके हैं, अब देखिए क्या है। फिर से वही पॉइंट से, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, तो पहले उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर कीजिएगा उसको, तब आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है तो इजीली आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ सकती है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले माना हमने पिस्टन कहाँ मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, यहाँ BD से लेकर कहाँ मूव कर रही है पिस्टन, मान लिया कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। और क्रैंक किस तरह से रोटेट करेगी, तो उस टाइम में क्रैंक मूव करेगी ऐसे। आप इसको ABCD भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने फोर स्ट्रोक इंजन में दिया था ABCD। तो आप ऐसे भी नॉमिनक्लेचर अपने तरीके से कर सकते हैं कि वह पिस्टन यहाँ से BC से D मूव कर रही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखिए क्या है। मान लिया पिस्टन कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, BDC से TDC की तरफ मूव कर रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही पिस्टन मूव करेगी, ये दिया है इसमें क्या, इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट, देखो पोर्ट क्यों बोला जाता है किसी चीज़ को, देखो पहले वाल्व होते हैं, तो वाल्व को ओपन करना पड़ता था, क्लोज करना पड़ता था। ठीक है, तो वाल्व जैसे टोटी होती है, टंकी होती है, आप उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, बंद जब तक खोलेंगे नहीं, ठीक है, तो वो बंद ही है, और जब तक बंद नहीं करेंगे तो खुली ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वाल्व को खोलने की बंद करने की जरूरत नहीं है, पिस्टन के मोशन से ही ये रास्ते, ये पोर्ट्स अपने आप खुलते हैं। ठीक है, तो पिस्टन के मोशन से ही ये अपने आप खुल जाते हैं, इनको अलग से कोई बंद करने की या खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल्व मैकेनिज्म है, वॉल्व जो हुआ करते थे, उनको सेपरेटली, उनको एनर्जी देख के आपको खोलना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, इसलिए वॉल्व अलग है, पोर्ट अलग नाम दिया गया है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, वॉल्व को खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोर्ट है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगी, तो पिस्टन के मोशन से ही ये कवर या अनकवर हुआ करेंगे, यानी ओपन और क्लोज हुआ करेंगे, यानी सेपरेटली इनको खोलने बंद करने के लिए कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इस तरह से। इसलिए अलग चीज़ है पोर्ट और वॉल्व। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी वाल्व को पोर्ट नहीं लिखेंगे और पोर्ट को वाल्व नहीं लिखेंगे, दोनों में अंतर है, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आप देखिए चीजें समझते हैं। तो मान लिया पिस्टन कहां मूव कर रही है, BD से TDC, या आप कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन अनकवर होगा, यानी इनलेट पोर्ट से पिस्टन जैसे ही ऊपर जाएगी, तो ये पोर्शन इसका खुल जाएगा, इनलेट पोर्ट खुल जाएगा। इनलेट पोर्ट खुलेगा तो क्या अंदर आएगा, ठीक है, इनलेट पोर्ट खुलेगा तो यहां से क्या अंदर आएगा, तो यहां से अंदर आएगा एयर। क्या अंदर आएगी, एयर। पेट्रोल इंजन नहीं है, इससे पहले फोर स्ट्रोक डीजल इंजन पड़ा था, तो डीजल इंजन में एयर अंदर आया करती थी, चाहे वो टू स्ट्रोक इंजन हो चाहे फोर स्ट्रोक इंजन हो, हमेशा डीजल इंजन में एयर ही अंदर आया करेगी। तो यहां से एयर अंदर आएगी, पिस्टन ऊपर मूव करती जा रही है, सक्शन वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है, यहाँ पे एयर अंदर आएगी, ये पूरा पोर्शन जिसको क्रैंक केस हमने बोला है, ये पूरा पोर्शन क्या होगा, फ्रेश एयर से भरना शुरू हो जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करती रहेगी, ये वाला पोर्शन एयर से भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। ठीक उसी टाइम पर, ये तो पिस्टन के इस साइड की बात हो रही है, पिस्टन ऊपर मूव की जा रही, सक्शन स्ट्रोक चालू है, पूरी एयर सक की जा रही, इसके अंदर खींच के भरी जा रही, तो ये तो सक्शन स्ट्रोक पिस्टन के इस साइड चालू है, अपर साइड, पिस्टन के अपर साइड की बात करें अगर, तो सेम टाइम पे जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, सेम टाइम पे ऊपर की साइड, सेम टाइम पे बात कर रहा है, यानी एक ही स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करे, तो एक ही स्ट्रोक चल रहा है, सक्शन स्ट्रोक इधर चल रहा है, उस साइड पहले से मौजूद एयर, ठीक है, पहले से मौजूद एयर कहाँ आई, तो अगले स्ट्रोक में जैसे ही आप जानेंगे तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले से मौजूद एयर, फ्रेश चार्ज, चार्ज नहीं बोलेंगे अब, केवल एयर है, चार्ज मतलब फ्यूल और एयर का मिक्सचर को चार्ज बोला जाता है, तो यहाँ पे केवल एयर है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको चार्ज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एयर। तो यहाँ पे पहले से मौजूद जो एयर है, पहले से प्रेजेंट एयर है, पिस्टन ऊपर मूव करेगी तो बेचारी वो कंप्रेस होगी, क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट पिस्टन के यहाँ होने की वजह से क्लोज हो चुका है, तो ये एयर फंस चुकी है, बेचारी बाहर भी नहीं जा सकती, अब ये यहाँ पे फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है, पिस्टन ऊपर मूव किए जाएगी, एयर पे प्रेशर बढ़ेगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो पिस्टन बिल्कुल जब TDC पहुंच जाएगी तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ चुका होगा, यानी पिस्टन एक स्ट्रोक पूरा कर चुकी है, यहाँ से BDC से TDC पहुंच चुकी है उस टाइम पे।
ठीक, ये पूरा पोर्शन सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा पोर्शन एयर के एयर से भर चुका है, ऊपर एयर कंप्रेस हो चुकी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जब ये स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तो देखो, कहने को तो एक ही स्ट्रोक है लेकिन दो काम हो रहे हैं, सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद जैसे ये ऊपर पहुंच चुकी है, टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है हॉट एयर के कॉन्टेक्ट में, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूल इंजेक्टर, पेट्रोल इंजन में हमेशा स्पार्क प्लग हुआ करता है लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, यानी फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, फेंका, जैसे इंजेक्शन में दवाई भर के और आपके शरीर में हाथ में इंजेक्शन लगाया जाए, दवाई को इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक उसी तरह फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा सिलेंडर के अंदर। क्यों भाई, उसके लिए पंप लगा होता है, सेपरेटली पंप लगा होता है फ्यूल के लिए, कि पंप क्या करता है, प्रेशर बनाता है और फ्यूल इसके अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई एयर तो कंप्रेस है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब तक इस फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जो फ्यूल है उसका प्रेशर इस अंदर वाले प्रेशर से ज़्यादा नहीं होगा तो भाई कैसे इसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यानी आप चाहते हैं डीजल अगर इसके अंदर आए तो आपको चाहिए कि एयर जो भरी है उससे भी ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, तब तो ये अंदर आ पाएगा। तो इसलिए फ्यूल इंजेक्टर में क्या लगा होता है, पंप लगा होता है, ठीक है, पीछे क्या सप्लाई दे रहा होता है, पंप दवाई सप्लाई कर रहा होता है ताकि वो इसका प्रेशर बढ़ा सके, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हुआ, उसी टाइम पे फ्यूल इंजेक्टर से डीजल की स्प्रे की जाएगी, ये एयर भरी हुई है उसमें क्या की जाएगी, स्प्रे की जाएगी, बूंदे बूंदे, आपने देखा होगा फाउंटेन होता है, ठीक है, पानी बिखरता है ऐसे, ठीक है, तो ठंडा ठंडा लगता है चारों तरफ, माहौल ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे डीजल की इंजेक्शन होगा, यहाँ पे स्प्रे होगी, तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, माइक्रो ड्रॉपलेट्स जैसे ही हॉट एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगी, बर्न करने लगेंगी, जलने लगेंगी, ठीक है। तो पिस्टन ऊपर पहुंच चुकी थी, बर्न होने लगा, जलने लगा, कंबस्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जैसे ही डीजल जलेगा प्रेशर बढ़ेगा, गैसेस बढ़ेंगी, एक्सपेंड होंगी, फैलेंगी, तो इस पिस्टन पर अब क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अब क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन फोर्स लगेगा, अब पिस्टन मूव करना शुरू करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन कहाँ मूव करना शुरू करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, नीचे आएगी, गैसेस एक्सपेंड होती जा रही, फैलती जा रही है, पिस्टन को नीचे धक्का लगता जा रहा है, पिस्टन नीचे मूव करना शुरू करेगी। अब देखिए जैसे नीचे मूव करेगी तो अब जान लीजिए ये इस टाइम पर लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, तो थोड़ी देर में पिस्टन की पोजीशन अब चेंज होने वाली होगी। तो आइए पिस्टन की पोजीशन हम चेंज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब पिस्टन कुछ ऐसी हो चुकी होगी यहां पे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी पिस्टन, ठीक, और ये आपकी जो ऐसे रोटेट कर रही थी क्रैंक, अब यहां इस जगह पे रोटेट कर रही होगी, ठीक। तो उस टाइम पे क्या होगा, पिस्टन जब नीचे जा रही है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ओपन होगा एग्जॉस्ट पोर्ट, क्या ओपन होगा, एग्जॉस्ट, पिस्टन नीचे जाएगी, इनलेट पोर्ट बंद हो चुका होगा, यानी यहां से जो फ्रेश एयर अंदर आ रही थी उसका आना बंद हो चुका होगा, ठीक। दूसरी चीज, ऊपर वाली साइड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो चुका होगा, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस चल रहा था, गैसेस फैल रही थी, पिस्टन में धक्का लग रहा था, तो पिस्टन जैसे ही नीचे पहुंचने वाली उसी टाइम पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो चुका है, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो चुका है, तो जो वेस्ट गैसेस हैं, जली हुई हैं, धुआं वगैरह भरा हुआ है, वो इस पोर्शन से एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर देगा उसी समय पर। ये तो देखो ऊपर हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हुआ, उसके जस्ट बाद एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, चौथा वाला स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है सेम टाइम पे। अब देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या हो रहा है, देखो, तो पिस्टन के नीचे वाली साइड जो फ्रेश एयर यहां पे भरी हुई थी सक्शन के दौरान यहां पे आई थी, अब पिस्टन नीचे मूव करी, बेचारी वो फंस गई यहां पे, ये रास्ता बंद हो चुका, बाहर जाए तो कहां से जाए, तो इस पे प्रेशर पड़ रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा कंप्रेशन इस गैस का होता है, इस एयर का होता है, इस एयर पे जब प्रेशर बढ़ता है तो ये देखती है या भाई या तो सिलेंडर को तोड़ के बाहर चली जाए, नहीं तो इसको रास्ता मिले, तो रास्ता इसको मिलता है, देखिए दोस्तों ये रास्ता इसको मिलता है, ट्रांसफर पोर्ट, ये इसको रास्ता दिखाई दिया कि भाई यहाँ से होके जाया जाए, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्रेश एयर यहाँ से होते हुए ट्रांसफर पोर्ट से, यानी ये ट्रांसफर करता है क्रैंक केस से चार फ्रेश फ्यूल को, सॉरी फ्रेश एयर को ट्रांसफर करता है, कहाँ, ये अपर साइड, तो यानी ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए फ्रेश एयर यहाँ आती है, ठीक है, फ्रेश एयर यहाँ आती है, यहाँ पे पहले से वेस्ट गैसेज है जो कि बाहर की तरफ मूव कर रही है, ये फ्रेश एयर जैसे ही आएगी ये धक्का लगाएगी इनको और उनको बाहर करेगी, ठीक है, इनको धक्का लगाएगी और क्या करेगी, बाहर, तो यानी फ्रेश एयर इधर से आता रहता है, वेस्ट गैसेज बाहर जाती रहती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक साथ होता है, एक ही मोशन में, देखिए दो स्ट्रोक हो रहे हैं, एक्सपेंशन भी हो रहा है, एग्जॉस्ट भी हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसफर पोर्ट से इधर ट्रांसफर भी हो रही है गैसेज, ठीक है। तो ये प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है, इसलिए तो एक दो दो मोशन में पूरी साइकिल सारे स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है इसको टू स्ट्रोक डीजल इंजन। और हाँ,
सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन, एयर को कंप्रेस करा था और कंप्रेस करने से ही डीजल जैसी कॉन्टेक्ट में जलने लगा था, तो इसलिए बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन, यानी कंप्रेस करके आपने उसको इग्नाइट कर दिया, जला दिया, इसलिए बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल इंजन को। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज अंतर आपने देखा होगा फिगर में, पिछले फिगर में और इसमें, पिछला जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन हमने देखा था उसमें ऐसा था, लेकिन इसमें नहीं है। तो देखो पिछली बार क्या था, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर था, वो अंदर आता था, वो ये जाता था। तो भाई देखो ये पेट्रोल वाले केस में कहीं पेट्रोल बाहर ना चला जाए, है ना, पेट्रोल पहले ऊपर जाए, मिक्सचर जो था ऊपर जाए, फिर गैसेज बाहर जाए, वेस्ट गैसेज जो थी वो बाहर जाए, फ्रेश फ्यूल चार्ज बाहर ना चला जाए, इसलिए ऐसा बनाया था। लेकिन अब तो भाई देखो क्या है, डीजल वाले केस में उसमें तो एयर है, थोड़ी बहुत एयर अगर बाहर चली भी गई तो क्या नुकसान है, ठीक है, क्योंकि एयर क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, बिना पैसों के मुफ्त में अवेलेबल है। जब मुफ्त में अवेलेबल है तो थोड़ी बहुत एयर, फ्रेश एयर अगर बाहर भी चली जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत एयर कभी कभार बाहर चली भी जाती है। अब सुनिए, यानी कि हमने क्या बचाया, अगर ये ऐसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाए होते, डोम लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ पार्ट बनाए होते तो क्या होता, ठीक है भाई, इतना मटेरियल लगाना पड़ता ना भाई, पिस्टन के ऊपर इतना मटेरियल लगाना पड़ता, मटेरियल लगाना पड़ता, यानी उसकी शेप चेंज करनी पड़ती, यानी उसको मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती, और जाहिर सी बात है मेटल की कॉस्ट बढ़ती, यानी कहीं ना कहीं इंजन की कॉस्ट बढ़ जाती, यानी एक इंसान को वो टू स्ट्रोक डीजल इंजन खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, ठीक है। तो भाई कस्टमर नहीं चाहता कि उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, हाँ थोड़ा बहुत एयर का नुकसान हो रहा है तो होने दो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा चार इंजन पढ़े आपने, चारों में से केवल एक इंजन ऐसा जिसकी सरफेस कैसी थी, पिस्टन का जो टॉप पोर्शन था उस पे उठा हुआ पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन था, जिसको डिफ्लेक्टर बोला जाता था। तो दो पॉइंट आपने नोटिस किए होंगे, ना तो इसमें स्पार्क प्लग है, हर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, हर डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, चाहे वो टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक हो, ठीक है। ये पोर्शन समझ में आया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि भाई एक और दो, आप सुनिए ये कहाँ से आया था, हमने कहा था जब आप बीडीसी लेके जा रहे थे कि भाई यहाँ से सक्शन हो रहा है, यहाँ से एयर जो फंसी है उसका कंप्रेशन हो रहा है, तो देखो आप समझ गए। तो जब आप ये वाला जो ट्रांसफर होके यहाँ गया था तो यही वो एयर थी जो यहाँ फंसी हुई थी और जिसका हम क्या कर रहे थे, कंप्रेशन, ठीक है। अब देखिए जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कभी कभी एक किक में स्टार्ट हो जाती हो, कभी दो चार पाँच किक मारनी पड़ती हो तब गाड़ी स्टार्ट होती हो, तो वो निर्भर करता है कि आपकी जो पिस्टन है, जब आपने गाड़ी बंद की चाबी निकाली गाड़ी बंद हो गई, अब उस टाइम पे पता तो होता नहीं भाई पिस्टन किस पोजीशन पे रुकी है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जॉस्ट कराना पड़े, एग्जॉस्ट के बाद सक्शन कराना पड़े, सक्शन के बाद आपको कंप्रेशन कराना पड़े और तब एक्सपेंशन या पावर जनरेटिंग, पावर डेवलपिंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक आए। तो जब पावर स्ट्रोक आता है तभी कहते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी ने अपनी एनर्जी स्वयं डेवलप करना शुरू कर दी, तो उसी को कहा जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने अक्सर देखो, इसी इंजन की बात नहीं कर रहे, सभी इंजनों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उसका एक्सपेंशन यानी पावर स्ट्रोक आ चुका हो, तभी गाड़ी को स्टार्ट माना जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा एक किक पे पैर रख दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ गई, ठीक है, चोट वोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता छोटा मोटा, ठीक है। तो यानी वो बस कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा ही हो चुका था तभी गाड़ी आपने बंद कर दी, ठीक है। बच्चे ने किक पे पैर रखा, कंप्रेशन हो ही चुका था, स्पार्किंग हुई और काम शुरू, गाड़ी भागने लगी। और कभी कभी 10 बार आप किक मार लेते हैं, मारते रहते हैं, इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो वो ऐसे ही हो सकता है, एग्जॉस्ट करने के लिए पिस्टन को एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर सक्शन करना पड़ेगा, फिर कंप्रेस, इतनी एनर्जी दोगे एक बार में, इतनी एनर्जी दे पाओगे तब जाके एक्सपेंशन स्ट्रोक आएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी कभी ऐसा लगा और किसी ने पता चला जरा सा छुआ ही और गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो ऐसे केसेस इसलिए आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, टू स्ट्रोक पेट्रोल डीजल टू और फोर स्ट्रोक पेट्रोल डीजल समझ में आएंगे। कोई भी आपको क्वेरी है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया एक बार इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, पुराने वाले वीडियोस देखिए कि भाई वहाँ पे क्या अंतर था और इसमें क्या अंतर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जा रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आपको वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आएगी या कॉमन प्रॉब्लम कोई आएगी तो उस पर हम सेपरेट वीडियो भी अलग से बना सकते हैं।